से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में तीन मेजर स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर। ये तीन तरीके हैं जिससे मेटल को प्योरीफाई करा जाता है। तीन स्टेप्स हैं, तरीके नहीं है, तीन स्टेप्स हैं। मतलब इनमें से कोई एक, तीनों ही करने पड़ेंगे। तो तीनों स्टेप्स हैं ना, अगर तीन तरीके होते तो इनमें से कोई एक करना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर जिसको हम एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं, सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन टू मेटल, एंड थर्ड है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखिएगा जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये है कि जब भी कभी हम किसी ओर की बात करते हैं तो ओर का मतलब ये होता है कि जो मेटल है वो मेटल मुझे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिला ज़मीन के अंदर से, ज़मीन के अंदर से वो मिला कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि किसी कंपाउंड की फॉर्म में वो हमको मिल रहा है। अब हमको क्या करना है उसमें, कि जब वो कंपाउंड की फॉर्म में हमको मिल रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे कि उसमें ना मिट्टी, सैंड, माइका, बहुत सारी चीज़ें जो है बेकार की चीज़ें वो उस पर चिपकी हुई होंगी। तो उसके लिए क्या करा जाता है, किसी सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप कर दिया जाता है। जब सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं तो वो जितना भी वेस्ट मटीरियल है वो सारा का सारा वेस्ट मटीरियल वो अलग हो जाता है। अब जैसे ही वो सारा वेस्ट मटीरियल अलग हुआ, उस वेस्ट मटीरियल को हम गेंगू बोल देते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में। तो वो जब सारा का सारा अलग हो जाता है तो हमारे पास जो ओर है वो अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में बचता है, समझ गए? जैसे कोई एक चीज़ है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, है ना, और उसमें से हम जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकाल दी, तो अब जो चीज़ बची है हमारे पास वो अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में बच गई। ठीक है, तो दिस फर्स्ट स्टेप इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप जो है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, कि कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट करना। और थर्ड स्टेप क्या है कि उसको प्योरीफाई कर देना, मतलब बिल्कुल साफ कर देना, कि उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दूसरी चीज़ ना मिलने पाए, है ना, उन सबको रिमूव कर देना। तो फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इसको क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं। हाँ, अलग अलग हैं। मिनरल्स क्या हैं कि जितने भी जो भी हमको कंपाउंड ज़मीन के अंदर से मिलते हैं उनको तो मिनरल्स बोलते हैं। जिन मिनरल्स से ओर्स को मतलब मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्वायर करा जा सके, एक्सट्रैक्ट करा जा सके, उसको भी मिनरल बोलते हैं। जिससे नहीं मिलता उसे भी मिनरल। तो सारे के सारे मिनरल्स हैं, लेकिन सारे के सारे ओर्स मिनरल्स नहीं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटीरियल, अर्थी पार्टिकल्स, लाइम स्टोन, माइका एट्सेट्रा प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंगू। तो जितने भी ये अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं प्रेजेंट इन ओर में जो प्रेजेंट होते हैं, उन सबको हम गैंगू बोल देते हैं। बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम एन ओर, इट इज नेसेसरी टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज और गैंगू। बाई रिमूविंग द गैंगू वी गेट अ कंसनट्रेटेड ओर कंटेनिंग अ मच हायर परसेंटेज ऑफ द मेटल। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, पानी से, कॉपर सल्फेट से, या किसी भी चीज़ से, किसी भी ऐसे केमिकल से उसको साफ़ कर देते हैं, मेटल को अच्छे से, जो ओर है उसको साफ़ करते हैं। सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इन टू मेटल, कंसनट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट करना। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इन टू मेटल। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर्स, वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल्स इन टू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। अब हमको क्या करना है, अब हमारे पास जो भी ओर था उस ओर में से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो चुकी हैं। अब हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर ही बचा है सिर्फ। ठीक है, अब वो जो कंसनट्रेटेड ओर है उस कंसनट्रेटेड ओर को मुझे मेटल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मेटल में जब उसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए हम मेटल्स को, जितने भी मेटल्स हैं उनको तीन अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करके देखते हैं। मेटल्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो एक होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, और तीसरा होता है लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें आप देखिए कौन कौन से हैं, के, एन ए, सी ए, एम जी और एल, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारे तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में। हाईली रिएक्टिव कैसे पता चलता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज़्यादा ऊपर ऊपर की तरफ आते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद आते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में आएगा जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये आता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में। उसके बाद कॉपर और एचजी, कॉपर और एचजी है लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, कॉपर और मर्क्यूरी। कॉपर दोनों में मिलेगा आपको, लेस रिएक्टिव में भी मिलेगा और नेटिव स्टेट में भी मिलेगा, और मॉडरेटली में भी मिलेगा। कई जगह ऐसा है कि कॉपर आपको नेटिव स्टेट में भी मिल जाता है। तो ये मॉडरेटली में भी आएगा, लेस रिएक्टिव में भी आएगा।
फिर फाउंडेड नेटिव स्टेट में क्या है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, ये जैसे हैं वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब हम सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो दो देवियां जब से नहीं आ रही तब से बड़ी शांति नहीं है पीछे वाले एरिया में, आजकल तुम भी रेगुलर आ रही हो, छुट्टी नहीं हुई कई दिन से, कल भी आई परसों भी आई, अच्छा याद दिलाया। अच्छा जैसे छुट्टी मारते हो तो मम्मी कुछ या पापा कुछ कहते नहीं है, मम्मी और पापा तो झगड़े होते हिंदी तो होगा ना सिलेबस में, हिंदी हिंदी तो है ना सिलेबस में, वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ वगैरह भी उस पर एक मुहावरा होता है चिकना घड़ा, चिकना घड़ा क्या होता है समझ, मतलब कह कह कर थक गए। और पता है कई बार मैंने ऐसा नोटिस करा है कि मतलब किसी किसी दिन इसका पढ़ने का मूड होता है, उस दिन दिमाग इसका बहुत तेज चलता है, ठीक है, लेकिन वो किसी किसी दिन होता है, और अगर रेगुलरली हो जाए तो क्या बात है, मम्मी पापा प्राउड फील करेंगे, यहाँ भी बिटिया ने कुछ कर दिया, ये तुम पर भी लागू होता है, ऐसे सुन रहे हैं, तुम भी कुछ करके दिखाओगे अच्छे से मेहनत करो। अब टाइम आ गया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीन ही महीने, थोड़ा दशहरे पर भी आपका मन मचलेगा कि मैं मेला देखने जाऊँगा, आजकल मेला भी तो लगता है यहाँ पर बहुत थोड़ा, दशहरे पर भी थोड़ा सा कम से कम दो तीन दिन तो होगा डिस्टर्बेंस, होता तो ज़्यादा है पर वही है कि बाकी के दिनों में आप अपने मन को समझाओगे कि नहीं कोई टेंथ में अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो इलेवंथ में मन चाह सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और फिर करियर अलग ही दिशा ले लेगा कुछ, ये भी होता है। और लड़का ये भी ज़बरदस्त है पीछे बैठा हुआ, बस आप सब लोग अगर जुट जाए ना अच्छे से मज़ा आता है। तुम दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं तो तुम दोनों उम्मीदों पर खड़े उतरना, मजाकबाजी में टाइम वेस्ट मत करना, तुमसे भी बड़ी उम्मीद है कि शुभांगी से ऊपर ही जाएगा तुम्हारा रिजल्ट, ये तो कंपैरिजन चलता होगा ना बहनों का घर में। तो उसने जब पहली बार आई थी आई थिंक तुम नाइन्थ में आए थे ना मेरे पास, नाइन्थ में आए थे जब पहली बार आई थी, उसने मेरे को इसकी बड़ी सिस्टर अगर बाजू में बिठा दोगे तो मैं पहचानना मुश्किल है, सेम है दोनों, चश्मा भी सेम ही पहनती है, सेम हाइट वाइट भी सेम है। तो उसने मेरे को बोला, कहती है सर इसका दिमाग कुछ नहीं चलता है, ये इसका पढ़ाई का दिमाग भी नहीं है, है ना, और आप ना बस इसको सुधार लेना, ये बोला उसने। और फिर वो हाँ मुझे तो ऐसी कोई कमी नज़र आई नहीं, तुमसे अच्छे से पढ़ाई कर रही है सब सही है, तो भाई तुम तीनों को ये बोल रहा हूँ कि मेंटेन रखना उसी को, क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में आप लोग थोड़ा सा घबराएंगे भी, परेशान भी होंगे, स्टूडेंट्स जो होंगे जैसे आप स्कूल में पहुँचेंगे तो स्कूल में बराबर वाला बच्चा कोई सैंपल पेपर लेके बैठा हुआ है, मन में घबराहट आ जाएगी कि भाई मैं तो यू लाइक का कर रहा हूँ, ये पता नहीं कौन सा सैंपल पेपर कर रहा है, अगर पेपर इसमें से आ गया तो रात में डरावने, पढ़ने वाले बच्चों को रात में डरावने सपने भी आएंगे, और डरावने सपने कैसे होते हैं कि पूरा आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल वो सब कुछ कर गए एक सब्जेक्ट का सपना मुझे आज भी आता है, ऐसा लगता है कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, कभी आ जाता है दो चार पाँच महीने में एक बार आएगा सपना, आज जिक्र कर रहा हूँ, हो सकता है आज ही आ जाए वो सपना। उस सपने में क्या है कि उस सपने में मैं पेपर कर रहा हूँ सॉल्व और मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैं कुछ का कुछ उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहा हूँ उसमें, है ना, कुछ नहीं आता है। और मज़े की बात यह है कि मैंने फर्रा ले रखा है इतना लंबा चौड़ा, मैंने फर्रा बना कर देखे जो मैंने कभी लेकर नहीं गया लाइफ में, तो वो फर्रा मेरे पास है और वो फर्रा मेरे से टीचर छीन रहा है, है ना, उसने मेरी गर्दन पकड़ रखी है और वो कह रहा है तेरे को छोड़ूंगा नहीं, है ना, पुलिस बुलाऊंगा मैं, अरे मजाक, अरे मजाक नहीं कर रहा, पुलिस आती है भाई, पता नहीं आपको, अरे पुलिस आती है, अनफेयर मीन्स में पुलिस आती है, नहीं पता आपको, माहौल अलग ही होता है, अलग ही होता है। और जो एग्जाम जो बाहर जो वो चेकिंग होती है ना, वो चेकिंग वाला ऐसा डरा देता है कि टाई, मतलब कई बच्चों की तो टाई खोल देते हैं बिल्कुल ऐसे, बेल्ट खोल देते, बेल्ट में से चेक कराओ, कई बच्चे बेल्ट पहन आते हैं ना, तो बेल्ट में अंदर कपड़ा टाँका लगा कर उसके अंदर लगा कर ले जाते हैं, है ना, मोजे उतरवा देते हैं,
तो वो माहौल ऐसा बना रहता है कि बच्चा वैसे ही घबरा जाता है। 3 साल के लिए इन्वेस्टिगेट कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन है, एडमिशन नहीं मिलेगा भाई। यूएफएम ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये पनिशेबल ऑफेंस है, अनफेयर मीन्स कहते हैं इसको। तो यही 10th में होता है, यही माहौल 12th में होता है। तो वही सपना आ रहा है कि बाहर पुलिस खड़ी हुई है, है ना, और गर्दन पकड़ रखी है मेरी कि चल तेरे को अभी मैं पुलिस के हवाले करता हूँ और मैं डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसे बात है। तो खैर घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करते जाओ। तुम्हारे लिए भी यही बात है, अगर ध्यान से सुन रहे हो उसने उसको कुछ कहा ऐसे तो उसने क्या करा, धीरे से अपना काम होता है। हाँ बहन बोल क्या बोलती है। वाह भाई वाह, चलो जी ठीक है, मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। एक्सट्रैक्शन करना करवा दूंगा, चिंता मत करो, पहले एक बार सिलेबस हो जाए। अरे सब करो ना, थोड़ा सा लेट है इस बार, थोड़ा सा लेट है। जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है ना, इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एक चैप्टर इसका बच रहा है, एक चैप्टर इसका बच रहा है। फिजिक्स का कौन सा बच रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड वाला जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने कराया नहीं अभी। नहीं सॉरी सर, कौन से चैप्टर में जो आपने हमारे बैच में नहीं करवाया? एक मैंने देखा था, कम से कम मैग्नेटिक फील्ड शायद वहां पर भी नहीं हुआ है। नहीं सर, वहां पर नहीं हुआ। हां मैग्नेटिक सर फिजिक्स में बस लाइट और आई हुआ है, और बायो यही सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। आपका मेटल नॉन मेटल अभी ये है तो ये थोड़ा ही बच रहा है, तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद कार्बन मैग्नेटिक फील्ड बात मत करो, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। हमें जिस पर फोकस करना है, एक तो आपका एपी बचा हुआ मैथ्स में, है ना, ये भी चलिए छोटा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में बड़ा चैप्टर। अभी अक्टूबर चल रहा है ना, और दीपावली कब है? 12 नवंबर की, 20 नवंबर तक सारा रहता है। तू क्यों लटके बैठा है? एक दिन लगा रहा था ये साथ, तो क्या हो गया? एक दिन में देख रहा था कि कितने चैप्टर हो जाएंगे कंप्लीट। कितने हो गए भाई? ऐसा है, देखो डिमोटिवेट मत करो इस तरीके से पेपर, बच्चा लगता है ना। चलिए जी, तो थोड़ा चलते हैं फिर, फास्ट मोड में चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। द हाईली रिएक्टिव, अब एक्सट्रैक्शन देखते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का कैसे करते हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो जनरली कैसे मिलते हैं? वो मिलेंगे या तो अपनी क्लोराइड्स की फॉर्म या अपनी ऑक्साइड्स की फॉर्म। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, अब हमें सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, अब उसके ओर में से निकालना है सोडियम मेटल। तो आप ये देखिएगा कि जैसे NaCl है, कैथोड पर और एनोड पर क्या क्या होगा वो देखना है। तो एट कैथोड कैथोड पर हमारे पास क्या है कि जो सोडियम है, सोडियम मुझे पता है कि सोडियम क्या है, कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है। तो वो कहाँ मिलेगा? वो कैथोड पर मिलेगा। कैथोड क्या है? नेगेटिव पर बनेंगे, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये हो गया Na+, कैथोड पर मिलेगा Na+। उसके बाद
ये जो कैथोड मिला, कैथोड पर हमें Na+ मिला, इसका मतलब क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया उसको पूरा करने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन एडिशन कर दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये सोडियम मिल जाएगा। अब जैसे ये है तो इसमें हमने इसकी जब बैलेंसिंग करी तो हमको यहाँ पर टू लगाना पड़ा क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, तो सोडियम का बैलेंस क्लियर किया तो उसके आगे भी फिर टू लगाना पड़ा उसको बैलेंस करने के लिए। तो आप ये देखिएगा कि फिर मेरे पास सोडियम के आयन कितने हो जाएंगे, दो आयन हो जाएंगे सोडियम। तो जब सोडियम का एक आयन था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा था, दो आयन थे तो उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे होंगे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए उनको भी दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो दो इलेक्ट्रॉन उसने लिए, यहाँ पर हमारे पास हो गए प्राइस ऑफ एन, समझ गए। ठीक है भाई, सबके आगे टू 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 लगा दिया क्योंकि मुझे टू एन ए मिल रहा था ना, तो टू एन ए मिल रहा था तो हम ये कहेंगे कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ होगा, कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, जुड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन क्या होता है कैटायन, तो कैटायन क्या है Na+, है ना, तो Na+ को हमने ये कहा कि भाई Na+ में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, Na+ में अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो सिर्फ Na आ जाएगा, सिर्फ Na आ जाएगा, मुझे तो 2Na चाहिए, तो 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, बस ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे एनोड की, एनोड का मतलब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब सर समझ नहीं आ रहा, Na+, Na+ का मतलब क्या है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा था, तभी तो Na+ बना, अब उसको Na बनाना है, वापस से सोडियम एटम बनाना है, आयन से एटम बनाना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका था, अभी तो Na+ बना, तो आप कहें आप ये भैया आपने एक इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा, तीनों तरफ आपने टू 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 मल्टीप्लाई करना, सही है। ठीक है, अब इसी तरीके से एनोड की बात करते हैं, तो एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या अगर जुड़ेगा, एनायन, एनायन क्या है, सी एल माइनस, सी एल माइनस, तो सी एल माइनस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इसको सिंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बनेगा, सी एल, लेकिन मेरे को सी एल थोड़ी मिल रहा है, मेरे को तो सी एल थोड़ी मिल रहा है, तो आपने यहाँ पर टू लगाया, टू लगा दिया, हो गया, हो गया, बोलो। ठीक है चलो जी, अब इसके बाद देखेंगे लाइक सोडियम, पोटेशियम कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड, तो जिस तरह से सोडियम क्लोराइड से हमने सोडियम को निकाला, पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं ना अभी, अब इसके बाद एल्यूमिनियम पर आ जाएंगे, तो एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हमने ये कहा था कि जो मेटल्स हैं वो मेटल्स या तो अपने क्लोराइड्स की फॉर्म में मिलते हैं या अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, तो जैसे देखा सोडियम, सोडियम मिलता है अपने क्लोराइड की फॉर्म में ज़मीन के अंदर, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम मिलेगा अपने ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, तो जब एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा तो आप ये देखिएगा एक्सट्रैक्शन, पौने तीन बजे आ जाए आप लोग, कहाँ पे
पता चला कोई खाया था, मैंने किया था, मैं बस आए कितनी देर हो गई तो भी चला रहा था एक तो आपने वो भी देखी होगी इंटेंसिटी 6.2 यस अब क्या होता है कि जैसे मेरी ना 3:30 बजे से क्लास शुरू होती है तो मैं सोचता हूँ 2:15 बजे के करीब मैं सोचता हूँ कि सो जाऊँ थोड़ा देर आधा घंटा पौना घंटा मैं सो जाऊँ ये सोचता हूँ ठीक है और कई बार ऐसा होता है काम ऐसा होता है कि सोने का टाइम ही नहीं मिल पाता तो आज मुझे टाइम मिल गया मैं सो जाता हूँ मैं लेटा था ऐसे 2:35 या 2:40 के आसपास अब सोते टाइम तो बिल्कुल शांत होता है ना माहौल एकदम तो मैं बिल्कुल अंधेरा करके मैं चुपचाप सो अब सोते सोते मुझे लगा कि कोई बेड को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहा है ना ऐसे लगा और फिर आवाज़ भी आ रही धम 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 ऐसे आवाज़ आ रही तो मुझे लगा कि बिल्डिंग में किसी के यहाँ का जैसे दरवाज़ा वगैरह कुछ खुला रह गया हो वो दरवाज़ा भी लग रहा था जोर जोर से पता नहीं क्या चीज़ थी जिसकी जोर जोर से आवाज़ भी आ रही थी और इतनी तेज भूकंप था मैं उठ के बैठ गया ठीक है पापा भी सो रहे थे मेरे बराबर मेरे पापा को उठाया मैंने आपको भूकंप आ रहा है देखा तो पंखा भी क्योंकि आजकल ऐसा है कि ठंडक सी हो रखी है आप लोग बैठे हैं ना इसलिए एसी चला रखा है आजकल पंखा भी चलाने का मन नहीं करता थोड़ी ठंडक हो रखी है तो पंखा भी रुका हुआ था तो पंखा ऐसे 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 हिल रहा था इतनी तेज भूकंप था मैंने कहा बस तो डर लगता है बिल्डिंग में ना कहाँ बैठे हुए हैं अगर गिर गई बिल्डिंग तो कहाँ से कहाँ गिरेंगे जाके चलो देखते हैं जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये भी मॉडर्न स्टेट में हमको लेना है इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ठीक है ये क्या है इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम मिलेगा एल्यूमिनियम मिलेगा और ऑक्सीजन एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अब जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन हमको अलग अलग मिल गया हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे इधर एल्यूमिनियम का 2 है लेकिन ऑक्सीजन का 3 है तो पहले तो ना इसका 2 और 3 ये दोनों अलग अलग नंबर है पहले इनको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 लगा देंगे 3 जा 6 और यहाँ पर 2 लगा देंगे 3 जा 6 ऑक्सीजन बैलेंस ये 2 जा 4 इसके आगे 4 लगा देंगे ठीक है अब आप जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम की बैलेंसी क्या होती है 3+ यानी कि एल्यूमिनियम कैटायन है तो कैटायन कहाँ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव टर्मिनल याद रखना एक्चुअली कैट कैट से आप लोगों के दिमाग में याद होगा कि कैथोड भी पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है याद रखना कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है लेकिन कैटायन अपोजिटिव होता है ठीक है ना तो फिर से वही कहेंगे कि एट कैथोड कैथोड पर क्या होगा तो जैसे यहाँ पर तो हमने 2 2 2 2 2 2 ये मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके दिखाया है ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बैलेंस करके दिखाएं जैसे एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम कैथोड पर मेरे को मिलेगा एल्यूमिनियम का आयन एल्यूमिनियम 3+ का मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तो इसको वापस एल्यूमिनियम मेटल बनाने के लिए इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करे जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वापस से हमको ये AL मिल जाएगा अब अगर आपको लगता है कि आपको इसको 4 AL बनाना है तो आप क्या करेंगे 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 और 4 को यहाँ समझ गए कि नहीं बताओ ठीक है अच्छा जी अब इसी तरीके से ये हमारे पास हुआ कैथोड का इसी की तरह से फिर एनोड की अगर बात करें एनोड को क्या होगा एनोड पर क्या होगा कि एनोड पर हमारे पास क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन है ना
ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी देखिए पहले क्या होती है, माइनस टू माइनस का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ने बाहर से दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो वापस से ऑक्सीजन बनाने के लिए, ऑक्सीजन एटम बनाने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसने लिए हैं वो उसको दे देगा, तो टू इलेक्ट्रॉन ये सब्ट्रैक्ट करेगा, जब टू इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेगा तो वापस से क्या होगा, ऑक्सीजन मिल गया, ओ भी है, ओ तो मिलता नहीं है, डाई एटम एक स्टेट में होता है तो ओ भी मिलता है, तो ओ भी तो यहाँ पर टू लगा दिया, और जबकि हमारे हमने जब बैलेंस करा तो थ्री भी लगाए, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने हो गए एटम, टोटल सिक्स हो गए, सिक्स हो गए तो भाई सिक्स से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी सिक्स, यहाँ पर भी सिक्स, तो ये समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, जो हमने नोट्स में दे रखा है, नोट्स में सिंपल सिंपल करके दे रखा है, ठीक है ना, तो नोट्स में एग्जाम में ऐसे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हुआ हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आपको बस दो एग्जाम्पल देख लेना है, सोडियम का देख लेना है, सोडियम क्लोराइड, और इसका देख लेना है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पोटेशियम जो है वो बिल्कुल सेम है, जो सोडियम वाला है जैसे जैसे लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ एन ए लिखा है वहाँ वहाँ के लिख दीजिए, के 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 बस इतना लिख दीजिए, बाकी बिल्कुल सेम है। पोटेशियम और सोडियम क्योंकि दोनों की वैलेंसी वन प्लस होती है, तो एक तरह से बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दोनों, हाँ जरूरी नहीं है बहुत है, ठीक है ना। अब इधर आ जाइए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव, तो द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन एल्यूमिनियम सोडियम और कैल्शियम, तो कार्बन एल्यूमिनियम सोडियम और कैल्शियम की हेल्प से अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो वो जो मेटल्स हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। द कंसनट्रेटेड ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, जो कंसनट्रेटेड ओर्स होते हैं, कंसनट्रेटेड ओर्स पैर से क्यों उठा रहे हैं, टेक्निक लगा रहा है, The concentrated ores can be converted into metal oxide by the process of calcination or roasting. अब calcination क्या है? Calcination और roasting दोनों में बहुत आसान सा है अंतर। देखिए, roasting तो आपको पता है ना, किसी भी चीज़ को भून देना, उसको roast करना कहते हैं। तो roasting जब होती है तो roasting तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि जैसे मतलब गैस का जो फ्लेम है, फ्लेम के ऊपर हमने जो भुट्टा होता है भुट्टे को रखा और roast कर दिया, ठीक है। तो खाया नहीं खाया, तो फिर पता ही नहीं। और अच्छा, ये पता है कि खाया है लेकिन होता क्या ये नहीं पता, नहीं ये खाने का अच्छा। तो उसको रोस्ट करते हैं, तो रोस्ट करते हैं तो आसपास ऑक्सीजन होती है ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करने को कहते हैं रोस्टिंग, ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करने को कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गर्म करना किसी भी चीज़ को, और रोस्टिंग का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गर्म करना, बस ये अंतर। तो हम जब प्रेजेंस ऑफ मतलब जब ऑक्सीजन की होते हुए कर दिया, और कैल्सिनेशन में कि जब ऑक्सीजन नहीं हो, जब ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक है। चलिए जी, एक मिनट रुकिए, तो मैं तो मारूंगा इसको।
टू टू ज़ा फोर वन टू ज़ा टू फोर और टू सिक्स तो यहाँ तीन लगाए अब हो गया था ठीक है। चलिए जी इसके बाद देखिएगा तो इस तरह से क्या होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। कैल्सिनेशन में क्या होता है सी फॉर कैल्सिनेशन सी फॉर कार्बोनेट तो कार्बोनेट ओर का ही कैल्सिनेशन करा जाएगा ठीक है याद रहेगा सी फॉर कैल्सिनेशन सी फॉर कार्बोनेट। कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करना मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको गर्म करना गर्म करेंगे जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर जिंक सल्फाइड है जिंक सल्फाइड मतलब अगर सल्फाइड है तो सल्फाइड की रोस्टिंग होगी ठीक है सल्फाइड की रोस्टिंग होगी तो रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ ऐड करना और उसको गर्म कर देना ठीक है ऑक्सीजन की वजह से। अब उसके बाद देखिए द मेटल ऑक्साइड्स ऑब्टेन्ड आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ऑफ ओर्स आर कन्वर्टेड टू द फ्री मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन एल्यूमिनियम सोडियम और कैल्शियम। तो फिर उनको जब हमको मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं ना आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तो फिर उनको फ्री मेटल में कन्वर्ट करा जाता है बाय यूजिंग एजेंट्स लाइक कार्बन एल्यूमिनियम सोडियम और कैल्शियम। ये चारों अंडरलाइन कर दिया ये एमसीक्यू में भी आ जाता है कार्बन एल्यूमिनियम सोडियम और कैल्शियम जो ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर ठीक है। तो इनको रिड्यूस करने के लिए ये चार एलिमेंट्स यूज़ करे जाते हैं कार्बन एल्यूमिनियम सोडियम और कैल्शियम। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन अगर मेटल ऑक्साइड हमको मिल चुका है जिंक ऑक्साइड तो कार्बन यूज़ करके उसको कैसे रिड्यूस करा जाए तो देखिए जिंक ऑक्साइड जैसे मिला चाहे कैल्सिनेशन करके मिला हो चाहे रोस्टिंग करके मिला हो लेकिन मिल गया ना जिंक ऑक्साइड सर कुछ भी कर सकते हैं नहीं कुछ भी नहीं कार्बोनेट और मिलेगा तो कैल्सिनेशन करना होगा सल्फाइड और मिलेगा तो रोस्टिंग करना होगा ठीक है ना सी फॉर कार्बोनेट सी फॉर कैल्सिनेशन ठीक है इसी बात को बोलते हैं बात अभी बोला है विंटर आने वाली है क्या तो सही रहे हो तुम विंटर आने वाली नहीं आ रही सर विंटर आ रही है क्या बोला तुमने क्या हीटर लगाओगे सर विंटर में हीटर लगाओगे क्या ये पूछ भी गया सबको चाहिए प्रति हीटर नहीं क्यों क्योंकि अभी भी हम घर में अगर मैं अकेला बैठा हूँ या वाइफ बैठी है या मम्मी पापा बैठे हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है एसी की है ना बॉडी हीट होती है ना तो उस टाइम भी मतलब हमको जरूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा होती है अच्छा जी तो अब आप ये देखिएगा कि ZnO प्लस सी तो ZnO प्लस सी जो है इसमें क्या होगा कि जिंक तो अलग हो जाएगा और कार्बन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड। ऐसे ही रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को यूज़ करके अगर रिडक्शन करा जाए जैसे मान लीजिए आपने माना कि अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड MnO2 है मैंगनीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा ठीक है और Mn बन जाएगा इधर क्या हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि ठीक है। अब बैलेंसिंग आप करते रहना द रिडक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम तो ये बहुत ज़्यादा हाईली मतलब हीट प्रोड्यूस करता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसके बाद देखिएगा अगला है थर्माइट रिएक्शन है ना तो थर्माइट रिएक्शन देखते हैं क्या है द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाई यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड अ थर्माइट रिएक्शन ठीक है। द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाई यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन और थर्माइट प्रोसेस। तो आप ये देखिए यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम यूज़ करके ही तो रिडक्शन करा है तो एल्यूमिनियम यूज़ करके जहाँ पर हम रिडक्शन करते हैं उस प्रोसेस को हम थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। जी भी थर्माइट एल्यूमिनियम रिड्यूसेस आयरन ऑक्साइड टू प्रोड्यूस आयरन मेटल विद द इवोल्यूशन ऑफ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू दिस हीट आयरन मेटल इज प्रोड्यूस्ड इन द मॉडर्न स्टेट। तो आप क्या कहेंगे क्या Fe2O3 प्लस AL जब इसको करा तो हमारे पास क्या मिलेगा एक तो Fe
और दिल्ली में हम से ईयर टू नहीं और साथ में मिलेगी कौन सा ठीक रखो साथ में मिलेगी और इसको बैलेंस आप करते रहिएगा। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन है उसमें देखिएगा पहले मर्क्यूरी का देखते हैं लेस रिएक्टिव क्यों चलो थोड़ा सा ही बच रहा है अगली क्लास में है ना इसको फिनिश करके फिर फिजिक्स का बनाएंगे।